दुनिया में इंसान जो है ना लोगों की भलाई के लिए, सेल्फिशनेस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी लेवल ऑफ इस्लाम, कहीं किसी जगह पर सेल्फिशनेस इस्लाम में नहीं। जो म्यूजिक है ना वो जिस केमिकल को ट्रिगर करता है ना दिमाग, इंसानी दिमाग में, वो तीन लेवल के ऊपर इंसानी दिमाग का एक खास केमिकल है, उसको कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन का जो बेसिक फंक्शन है वो अपनी तस्कीन। जैसे मुझे कोई काम करना था, कोई काम मेरे जिम्मे था, वो हो गया, मैंने कर लिया, तो मुझे डोपामाइन मिलती है। उसका एक सेंटर है D1A कहते हैं उसको, उसमें डोपामाइन आ जाती है, उसे अंदर खुलता है तो खारिश शुरू होती है, दिमाग को फ्रस्ट्रेशन होती है, जब पानी भर जाता है उस प्याले में तो तस्कीन आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो काम जिम्मे था वो हो गया, सेंटर ऑफ अकॉम्पलिशमेंट कहते हैं इसको। दूसरा सेंटर है D2, D1B भी है मगर D2 से मैं आता हूँ। D2 इज द सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी। वो सेंटर क्या करता है कि किसी ऐसी चीज के बारे में जब कुछ पता ना चल रहा हो, कोई मामला आ गया आपके सामने और वो जब हल हो जाए तो आपको फिर डोपामाइन तस्कीन मिलती है। हर बंदे के साथ होता है, पानी की पीक आती है, पता नहीं वो कैंड में क्या हुआ, क्रिकेट का मैच चल रहा हो, अचानक लाइट चली जाए, बॉल लास्ट बॉल पर छक्का मारता था, लाइट चली, तो वो फ्रस्ट्रेशन का जो इजहार करता ना इंसान, वो डोपामाइन के ओपन सेंटर की वजह से, क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ गई, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, साथ ही फिर अकॉम्पलिशमेंट का सेंटर भी खुला रह गया, जो चीज देखी थी पूरी नहीं हुई। इस तरीके से D1B का सेंटर आपकी तारीफ हो जाए। ये सेल्फिश कर रहा होता है इंसान, सेल्फ सेंटर्ड और ग्रीडी कर रहा होता है। ऑब्वियसली अब इसका मसला ये है कि इस प्याले में जब डोपामाइन आती है ना, न्यूरॉनल सेंटर होते हैं, जब डोपामाइन से घट जाता है ना तो डोपामाइन का सेंटर अपने साइड पर डालता है। ठीक है, मैं छोटा करके बता रहा हूँ, लंबी तफसील इंशाल्लाह करेंगे। जब सेंटर बढ़ जाता है उसको उसी काम के लिए ज्यादा डोपामाइन चाहिए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी तारीफ कर दी किसी बात, तो अगली दफा मुझे आपकी तारीफ के साथ साथ दो चार मिसरे के सीधे और चाहिए होंगे, तीन चार बंदे और मेरी तारीफ करें। इतना पैदा इंसान नार्सिसिज्म की तरफ जाता है, तारीफ और भुख होता है, ये हर एक के साथ आप देख रहे हैं। ये डोपामाइन का करता किया दराय सा, डोपामाइन का जो बेसिक मसला है ना वो ये है कि चूंकि हर चीज अपने लिए करता है, और जो सेंटर बड़े से बड़े से बड़े, जैसे खाना बनना खा रहा तो पेट बढ़ जाता है, ठीक है, पेट बढ़ेगा तो और भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो और पेट बढ़ेगा, लोग खाना भरी जा रहे हैं। इसी वजह के सिस्टम ने कहा खाना एक अपनी भूख थोड़ा सा छोड़ के अपना खाना जो है ना वो थोड़ी सी भूख रहने देना, पेट थोड़ी जगह मिले वरना वो बढ़ता रहेगा। तो इससे अच्छी एग्जाम्पल कोई नहीं है डोपामाइन की सेंटर से। अब ज़्यादा तस्वीर में जाए बगैर मैं आपको बताता हूँ कि जो शायद होता है ना, शायद जब वो एक मिसरा बताता है तो दूसरा मिसरा क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, डोपामाइन का जो सेंटर D2 वो खुल जाता है, मिसरा पूरा होता है तो डोपामाइन मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से सुर होता है, सुर की एक एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, उस एम्पलीट्यूड में एक क्रस्ट होती है, ड्रफ होती है फ्रीक्वेंसी में, जब वो सुर लगता है तो आपको फिर उसकी क्रस्ट भी और ड्रफ भी चाहिए होती है, वो करना इनकम्प्लीट होता है। D1A जो है ना वहाँ पर डोपामाइन चाहिए होती है। बिल्कुल इस तरीके से सुर के साथ जो ताल होती है, ताल के अंदर जो बीट होती है, बीट रिदम होती है, रिदम पूरा नहीं होता डोपामाइन की सेंटर खुले रह जाएंगे। ये तीनों चीजें मैं खाली तीनों चीजें बताऊँ, इसमें पांच चीजें होती है मगर ये तीनों मोटी मोटी हर गाने में होती है, और हर गाने के अंदर ये तीन चीजें 10-10-20-20 लाख दफा रिपीट होती है, बीट जो है, फिर सुर जो है, फिर उसके जो लिरिक्स है। एक गाना इंसान को इतना डोपामाइन एडिक्ट कर देता है कि उसके सेंटर 1 नैनो लीटर पर मिलीग्राम से लेकर 13-13-14-14 नैनो लीटर पर मिलीग्राम तक जा सकते हैं। जितना हार्ड रॉक गाना होगा उतना हाई डोपामाइन होगा। इसलिए आपने देखा है ना ये नशे की धुत उन्हीं लोगों को लगती है जो ज्यादा म्यूजिक के अंदर। तो बेसिक फलसफा तो जिसको साइंस नहीं पता तो उसको पता हो जाना चाहिए, जिस पेड़ के थाली के अंदर लगते हो उस पेड़ का केंद्र तो फसला है म्यूजिक की तरफ, जो भी गया है।